एक ऐसा टूल जो ब्रेकआउट स्टॉक्स को ब्रेकआउट होने से पहले ही आइडेंटिफाई करती है। मतलब आप ब्रेकआउट स्टॉक्स को ब्रेकआउट होने से पहले ही पकड़ पाओगे और ज्यादा मूव कैप्चर कर पाओगे, है ना इंटरेस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये टूल आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताता है जो कि एक्यूमुलेशन फेज में है। एक्यूमुलेशन फेज यानी इंस्टीट्यूशनल बाइंग एरिया, जहां से स्टॉक में काफी हाई पोटेंशियल होता है। तो आप इवन ऐसे स्टॉक्स को भी देख सकते हो जिनमें हाई पोटेंशियल टारगेट है, कि किन स्टॉक्स में ज्यादा टारगेट है और कौन से स्टॉक्स हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये टूल आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। तो देर किस बात की, चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इस टूल के लिए आपको ब्राउजर पर जाना है एंड ब्राउजर पर जाके आपको सिंपली सर्च करना है marketscreener.com। इसको सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो marketscreener.com है इस वेबसाइट का नाम एंड यहाँ पर आपको ये बेसिक इंटरफेस इसका दिखाई देगा marketscreener.com का। और यहाँ पर आप स्क्रीनर्स का सेक्शन देख सकते हो, तो इसका ही हमें काम है। तो टेक्निकल रैंकिंग्स, इन्वेस्टमेंट थीम्स, फंडामेंटल रैंकिंग्स, माई स्क्रीनर्स, जो हमारे कस्टमाइज स्क्रीनर्स होते हैं, इनकी बात ये कर रही है। तो यहाँ पर हमें टेक्निकल रैंकिंग्स पर जाना है। टेक्निकल रैंकिंग्स में आप यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हो, ओवरसोल्ड स्टॉक्स, ओवरबॉट स्टॉक्स, क्लोज टू रेजिस्टेंस, एक्यूमुलेशन फेजेस, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्लोज टू रेजिस्टेंस और एक्यूमुलेशन फेजेस, ये दो स्क्रीनर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वालिटी और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढना है तो इन्हीं दोनों का हमें यहाँ पर ज्यादा यूज करना है। तो क्लोज टू रेजिस्टेंस पर जाते हैं और यही हमें स्क्रीनर हेल्प करेगा ब्रेकआउट स्टॉक्स को ब्रेकआउट से पहले ही ढूंढने में। तो यहाँ पर अभी आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा स्टॉक स्क्रीनर क्लोज टू रेजिस्टेंस, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, यहाँ पर बताया गया है प्रोसीजर जिस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको नीचे आना है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टॉक्स है ये अमेरिकन स्टॉक्स है, नासडैक के स्टॉक्स है ये। तो आपको यहाँ पर अपना इंडेक्स चूज करना पड़ेगा। तो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 इंडेक्स को ही हमें यहाँ पर चूज करना है ताकि हम मैक्सिमम स्टॉक्स को एनालाइज कर पाए। मैक्सिमम स्टॉक्स अगर हमें मिलेंगे तभी जाके तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ढूंढ पाएंगे, राइट। तो निफ्टी 500 पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। निफ्टी 500 सिलेक्ट करने के बाद अपने आप यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि क्लोज टू रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ पर आपको तुरंत स्क्रीनशॉट निकालना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये वेबसाइट आता है फ्री डेली लिमिट रिस्ट के साथ। तो आपको सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है और ये जो भी स्टॉक्स है इसको आपको इंडिविजुअली अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर जाके एनालाइज करना है। तो इस तरीके से आप पहले ही स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अभी हम एक्यूमुलेशन फेजेस पर जाते हैं और एक्यूमुलेशन फेजेस पर जाके हम यहाँ पर अपना इंडेक्स पहले चूज कर लेते हैं एंड इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 500, वापस से वही स्टेप एंड उसके बाद ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं इसका तुरंत हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर बाद में ये हमें वेबसाइट खोलने को अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसका फ्री डेली लिमिट रही है, राइट। तो हम स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, दैट सिंपल। देन अभी ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें जो स्टॉक्स का नाम है वो हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। इस वेबसाइट का चार्ट की मैं बात करता हूँ अभी यहाँ पर। इनका चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है अभी आप देख सकते हैं, चार्ट ऑफ प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो यहाँ पर आप फुल स्क्रीन चार्ट पर ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फुल फ्लेश चार्ट दिखाई देगा। और इनका एक्सपर्ट डायनेमिक चार्ट क्या करता है, हॉरिजेंटल मेजर सपोर्ट, हॉरिजेंटल मेजर रेजिस्टेंस, ये सब कुछ आपके लिए मार्क कर देता है ऑलरेडी। एंड जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है आप देख सकते हो यहाँ पर, मूविंग एवरेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर अप्लाइड है ऑलरेडी। और इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो इन टूल्स की मदद से। एंड अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना डिफिकल्टी आपको अगर लगती है तो ये चार्ट वो भी आपके लिए कर देगा। तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन, सप्लाई एंड डिमांड, ये सब कुछ ये आपके लिए खुद से ही कर रहा है। तो एक्सपर्ट डायनेमिक चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग व्यू इससे काफ़ी बेहतर है। और हमें तो पता ही है कि प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। जिसको पता नहीं है वो इसका भी रेफर कर सकता है, जैसे कि 403 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, एक्यूरेटली ये बताता है। क्योंकि इस वेबसाइट का खासियत ही ये है कि जो स्टॉक्स आते हैं ये काफ़ी एक्यूरेटली बताता है, जैसे नॉट लाइक चार्टिंग स्कैनर कि बहुत सारे स्टॉक्स दे देगा एंड ऑलरेडी अपसाइड वो बहुत हो चुका है, वैसा कुछ भी नहीं है। ये स्क्रीनर आपको बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस भी है। एक और एक चीज़ मुझे आपको बतानी है जो कि है ये ऊपर जो आप सेक्शन देख सकते हो RSI वगैरह, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो पोटेंशियल प्राइस टारगेट। इसकी मैं बात कर रहा था कि आप यहाँ से देख सकते हो कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही उस स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल आप देख सकते हो। यहाँ पर यूनो मिंडा लिमिटेड, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल है टारगेट का। क्रेडिट एक्सेस गारमेंट लिमिटेड, इस स्टॉक में भी बहुत पोटेंशियल है। और यहाँ पर आप नीचे जाके भी देख सकते हो सभी स्टॉक्स को कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल टारगेट है। तो आप देख सकते हो कि JM फाइनेंशियल लिमिटेड ये बता रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है टारगेट का, सबसे ज़्यादा अपसाइड मूव यहाँ पर हो सकता है। तो आपने देखा कि ये वेबसाइट आपको ये भी बता रहा है कि पोटेंशियल प्राइस टारगेट कितना है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, बोलिंगा बैंड्स वगैरह बहुत सारे टूल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो एंड उस तरीके से ये आपको टॉप क्राइटेरियाज के बेसिस पर स्टॉक्स दे देगा।
तो अभी हम यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये है क्लोज टू रेजिस्टेंस वाले, जहाँ पर ब्रेकआउट हाई चांस है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। तो के रेटिंग्स लिमिटेड, जिसको मैंने यहाँ पर अभी एनालाइज किया था, इसको मैं आपके सामने दिखाता हूँ। के रेटिंग्स लिमिटेड जो कि वहाँ पर हमें दिखाई दिया स्क्रीनर पर, तो इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो क्लियरली अभी ये ब्रेकआउट जोन के पास है। एक तो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, और ये राउंडिंग स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि फॉर्म हो रहा है के रेटिंग्स लिमिटेड में। उसके साथ जो ये रिसेंट स्विंग हाई था, यहाँ पर एक स्मॉल कर्व भी है। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर ड्रॉ करके, तो हम यहाँ पर कर्व टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल कर्व यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है एंड इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। तो 703 का अभी ये करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर 700 का साइकोलॉजी लेवल भी है एंड इसका जब ये प्रॉपरली ब्रेकआउट करेगा विद अ हाई वॉल्यूम कैंडल, तब हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ ये ऊपर जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है 853 के पास आ रहा है ये लेवल, तो यहाँ तक हम स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स वहाँ पर आ रहे हैं उनमें अच्छा प्राइस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो अभी हम दूसरा स्टॉक्स भी देखते हैं, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को एक बार हम चेक करते हैं, जहाँ पर हाई पोटेंशियल टारगेट वो हमें बता रहा था। तो जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, इसको हम सर्च करते हैं। तो जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड का ये चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने ओपन किया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 60 का था एंड 60 से ही ये वापस ऊपर जाके रिसेंट जो स्विंग हाई है, यहाँ पर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको शो करता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये जो रिसेंट स्विंग हाई था इसका ब्रेकआउट हुआ है, और अगर नीचे आप वॉल्यूम्स को भी देखोगे तो ये बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम्स का फॉर्मेशन करके ये ऊपर जा रहा है एंड देन यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देखें 80 का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी एंड वी कैन प्लेस अ ट्रेड ओवर विद द टारगेट ऑफ 80। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल टारगेट का चांसेस है। अगर मैं आपको प्राइस रेंज यहाँ पर दिखाऊँ, तो प्राइस रेंज का टूल हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो जो मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं वो है 17% का, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो 17% का यहाँ पर हाई पोटेंशियल टारगेट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर और एक स्टॉक देखा था जो कि है EIH लिमिटेड। अब ये फिलहाल अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जोन के पास है, जैसे कि आप देख सकते हो क्लियरली ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैंडिडेट है आपके लिए, और आप देख सकते हो कि आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ब्रेकआउट के पहले ही आपको यहाँ पर ये स्टॉक दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप स्टॉप लॉस अपना लगा सकते हो इसी ब्रेकआउट कैंडल के लो पे एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के वक्त या रिटेस्ट के वक्त आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे स्टॉक्स आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट marketscreener.com। उसके बाद अभी हम एक्यूमुलेशन फेज स्टॉक्स को देखते हैं जो कि हमने देखा था। ये तो थे सारे क्लोज टू रेजिस्टेंस वाले कैंडिडेट्स, अभी हम देखते हैं अपने एक्यूमुलेशन फेजेस वाले स्टॉक्स जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही हो या एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। तो यहाँ पर हम फिर से अपना इंडेक्स सिलेक्ट करेंगे, हमने वैसे भी स्क्रीनशॉट अपना निकाल लिया है तो वहाँ से भी हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे ही हमारा फ्री डेली लिमिट रीच हो जाएगा तब। तो अब यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमें पहले ही दिखाई दे रहा है, बॉलिंग स्प्रेड है फुल हमें दिखाई दे रहा है, 5 डे प्राइस चेंज भी बता रहा है, पॉजिटिव है, इन्वेस्टर रेटिंग्स और ट्रेडिंग रेटिंग्स भी हमें ये साथ में ही बता देता है। तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्टर रेटिंग्स यहाँ पर इस स्टॉक का टाटा केमिकल्स लिमिटेड का फुल है, मतलब फंडामेंटली ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, यही आपको इन्वेस्टर रेटिंग बताता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अभी हम एनालाइज करते हैं चार्ट के ऊपर, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्च करना है एंड सिंपली आप यहाँ पर चार्ट को देख सकते हो। तो पहले ही मैंने यहाँ पर अपना पैटर्न ड्रॉ कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में ये ट्रेड कर रहा है प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, काफ़ी लंबे समय से ये ट्रेड कर रहा है फ्रॉम 27 मई 2021 टू अभी तक। यहाँ पर रिसेंटली स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 300 के सपोर्ट लेवल जोन से एंड ऊपर आने के बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 358 का, तो ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जैसे ही ये ऊपर जाएगा देन आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस से पहले ही आपने यहाँ पर स्टॉक को ढूंढ लिया एंड ये कंसोलिडेशन फेज में भी है तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो आपको ऐसे कुछ स्टॉक्स मिलते हैं स्क्रीनर की मदद से। अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इस स्टॉक को भी देखा है एंड इस स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था 19 लेवल के पास, तो 1919 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर स्टॉक ने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था कुछ दिन पहले, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड देन ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर चला गया रेजिस्टेंस के ऊपर भी एंड यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर यह अभी सपोर्ट ले रहा है। तो आप देख सकते हो चेंज इन पोलैरिटी कंसेप्ट कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्टेंस ही अपना सपोर्ट बनता है, तो यही जेबी केमिकल्स में प्राइस एक्शन का फॉलो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सपोर्ट लेवल है अभी 1921 का, यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं,
हम यहाँ पर रिटेस्ट ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। तो रिटेस्ट पे हम एग्जैक्टली एंटर करेंगे एंड जो यहाँ पर पोटेंशियल टारगेट होगा हमारा वो रहेगा सिंपली ये जो ऊपर का स्विंग आया है वो। तो 2200 का हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जो कि यहाँ से लगभग 11% तक का बनता है। तो आप देख सकते हो जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल एंड प्राज इंडस्ट्रीज, इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया एक्यूमुलेशन फेज स्क्रीनर से। एंड क्लोज टू रेजिस्टेंस में भी हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट EIH होटल्स इसको भी हमने चेक किया था एंड हमें काफी अच्छे स्टॉक्स मिले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्क्रीनर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पहले ही, एंड आपको मैक्सिमम स्टॉक्स को यहाँ पर एनालाइज करना है। सभी के चार्ट्स आपको खोल के यहाँ पर देखना पड़ेगा तभी आपको जाके अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही सभी स्टॉक्स को एनालाइज किया था एंड जो स्टॉक्स मुझे अच्छे नहीं लगे वहां से मैंने मूव ऑन किया एंड जेबी केमिकल्स फार्मास्यूटिकल एंड कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर लिए। वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।